क्या सलमान खान ने उठाया था ऐश्वर्या राय पर हाथ? जानिए अवार्ड फंक्शन में काला चश्मा पहन क्या छुपा रही थी एक्ट्रेस। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के चर्चित ब्रेकअप की जब बात आती है तब सलमान खान और ऐश्वर्या राय का नाम जरूर सामने आता है। इन दोनों के अफेयर से ज्यादा सुर्खियां इनके ब्रेकअप ने बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या शर्मा के बीच नजदीकियां बढ़ी और इनके अफेयर के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में होने लगे। हालांकि इस बीच कई बातों को लेकर ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच खींचतान होने की खबरें भी सामने आने लगी थी। कहा जाता है कि सलमान खान ऐश्वर्या राय को लेकर जरूर से ज्यादा पोजेसिव थे और यही ब्रेकअप की वजह बना था। वहीं बताते ये भी है कि ऐश्वर्या राय नहीं चाहती थी कि सलमान खान अपने भाइयों की मदद करे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐश्वर्या राय यह चाहती थी कि सलमान खान अपने परिवार के साथ ना रहे, लेकिन सलमान खान को यह मंजूर नहीं था। इन्हीं सब वजहों के चलते इनका रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता गया। मीडिया रिपोर्ट में दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि सलमान खान एक्ट्रेस को फिजिकल अब्यूज तक करते थे। इसी से जुड़ा एक वाक्य बहुत चर्चित है। असल में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या काला चश्मा पहनकर आई थी। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि हो ना हो ऐश्वर्या के साथ सलमान खान ने हाथापाई की है और अपनी इसी चोट को छुपाने के लिए एक्ट्रेस ने ये चश्मा पहना है। हालांकि ऐश्वर्या ने इसके पीछे की वजह सीढ़ियों से गिरना बताया था। आपको बता दें कि सलमान ऐश्वर्या के बीच होने वाले झगड़े उन दिनों मीडिया में सुर्खियों में बने रहते थे। ऐसा ही एक झगड़ा फिल्म चलते चलते के सेट के बीच भी हुआ था, जिसके बाद एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो व्यूअर्स, आप इन पुरानी खबरों में कितनी ज्यादा सच्चाई मानते हैं? क्या सच में सलमान खान ने ऐश्वर्या राय पे हाथ उठाया था? भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।